छोटी छोटी बातें जो हम आज से करना शुरू करेंगे। ये हमारा जो इनर वर्ल्ड है, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल जाने का मुख्य कारण, क्यों हमारे संकल्प ऐसे ही चलते जाते हैं, उसका मुख्य कारण है सोर्स ऑफ थॉट्स क्या है, कि हमारी सोच किस आधार पर चलती है। हमारी सोच का आधार, ध्यान से लिख लेना और घर में एक पोस्टर बना के लगा देना, ताकि बच्चे भी रोज देखें और पूरा परिवार रोज देखकर याद रखे। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उससे हमारी सोच बनती है। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उससे हमारी सोच बनती है। What we watch, read, listen is who we become. Emotional diet है ये, हमारी इमोशनल डाइट है। जैसे जो हम खाते पीते हैं उससे शरीर बनता है, जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं उससे हमारी सोच भाव भावनाएं बनती हैं। अभी हमने कहा 25-30 साल पहले हमारे मम्मी पापा जो कहते थे हम मानते थे, इन कंट्रोल। आज हम कहते हैं कोई हमारा कहना नहीं मानता है, आउट ऑफ कंट्रोल। ये 25-30 साल में क्या बदला है दुनिया के अंदर? इतना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बदली वो है जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। कौन कौन उस युग में बड़े हुए जब टीवी नहीं था? दैट्स ऑल। ये हिस्ट्री नहीं है, ये इतिहास नहीं है। तो सिर्फ अपनी इमोशनल डाइट चेक कर लें, अगर उसको चेंज कर लिया तो भी राजा बन जाएंगे, तो भी राजा बन जाएंगे। व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन, कहां कहां से? टीवी से और फोन से, इंटरनेट से, फिर लोगों से। अब ऐसे ऐसे बैठना, ये करते रहना, फिर शाम को टीवी की स्क्रीन के सामने बैठे ऐसे ऐसे करना, फिर कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठे तो ऐसे ऐसे करना। सबसे पहले इस पर संयम चाहिए। जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं अगर उसके अंदर कमजोरियां हैं, अर्थात व्हाट वी वॉच रीड लिसन, अगर उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, दर्द, डर, मतलब सब नेगेटिव कंटेंट है, तो फिर हमें नेगेटिव बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका बच्चा सिर्फ जंक फूड खाएगा तो उसको आप हेल्दी कैसे बनाएंगे? तो अगर हमारा मन सिर्फ जंक फूड खाएगा तो हम उसको हेल्दी कैसे बनाएंगे? अब जितना कंटेंट हम देख रहे हैं, चाहे टीवी से, चाहे मूवी से, चाहे गानों के शब्द सुन लीजिए, एनर्जी बदल चुकी है। चाहे फोन से, ऐसे 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 ऐसे, उसमें कोई ना कोई एक नेगेटिव वाइब्रेशन है, मेजॉरिटी कंटेंट में, सब में नहीं। तो अब हमें सिर्फ उतना सा ध्यान रखना है, समोसा खा लिया ना कुछ नहीं होगा, लेकिन ये नेगेटिव कंटेंट भर लिया ना, पूरा भाग्य पर असर करता है। शरीर की सेहत भी यहां से कंट्रोल हो रही है, और सुनते ही जाते, पढ़ते ही जाते, देखते ही जाते, वो वाली बात। और फिर कहते हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, टीवी बंद नहीं करते। बच्चों को बोलना भी नहीं चाहिए जब तक खुद राजा ना बन जाओ। गुलाम की बात गुलाम नहीं सुनता, गुलाम की बात गुलाम नहीं सुनेगा। राजा बन जाएंगे तो अपने बच्चे को भी राजा बना देंगे। गुलाम बनकर जिएंगे तो बच्चे को राजा कैसे बनाएंगे? ये वो वाली पढ़ाई नहीं है जो खुद नहीं पढ़े लेकिन बच्चे को पढ़ा देंगे, ये वो वाली पढ़ाई नहीं है। संस्कारों की पढ़ाई वो नहीं होती जो खुद को पढ़ाए बिना बच्चों को पढ़ाई जा सके। खुद बिना स्कूल जाए भी आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, जूरिस्ट, जो बनाना चाहे बना सकते हो, लेकिन संस्कार वो पढ़ाई नहीं जो खुद को पढ़ाए बिना बच्चों को पढ़ाई जा सके। तो खुद पर राजा बने बिना बच्चे को राजा बना नहीं सकेंगे। तो रेडी है अपने कंटेंट पर स्ट्रिक्ट होने के लिए? रेडी है? आपका भाग्य बदल जाएगा, आपके बच्चों का भाग्य बदल जाएगा। रात को सोने से पहले ऐसे सीरियल देखना जिसमें घर टूट रहे हैं,
फिर न्यूज ऐसे देखना जिसमें तो दुनिया ही ऊपर नीचे हो गई है। क्या सुन के भर के देख रहे हैं हम और क्या सो रहे हैं हम? क्या ये नींद अच्छी आएगी ऐसी चीजें देखने के बाद? शरीर सोता है सिर्फ उसके बाद। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्यों हमारा मन थका हुआ ऐसे ही सोचता जाता है, क्योंकि हम गहरी नींद ही नहीं सो रहे हैं। और हम गहरी नींद क्यों नहीं सो रहे? क्योंकि सोने से पहले हम अपने फोन और टीवी के साथ समय बिताते हैं। जिसने फोन बनाया होगा ना, जिसने ये छोटा वाला फोन बनाया होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा कि लोग 24 घंटे उसको ऐसे पकड़ के जिएंगे। उसने उस इंटेंशन से बनाया ही नहीं था उसने। उसने तो कहा ये फोन है जो घर के एक कोने में पड़ा होता है, लोग इसको उठा के रास्ते में तो अपने साथ लेके नहीं जा सकते। तो उसने बनाया तो उसने सोचा एक ऐसा फोन बनाओ जो एक जगह नहीं अपने साथ चल फिर सके। उसने उस इंटेंशन से बनाया था। हमने उस फोन को क्या बना दिया? सब कुछ छूट जाए, फोन ना जाए। इट्स नॉट मेंट टू बी दैट वे। उसका इंटेंशन वो नहीं है। हम उस युग में बड़े हुए हैं जब फोन ही नहीं था। हम उस युग में बड़े हुए हैं जो पहले पहले फोन आया तो हम पड़ोसियों के घर जाते थे उठाने। कौन कौन गया अपने पड़ोसियों के घर फोन लेने? सी हैं जी, 90 तक ये था ना, 90 तक हम फोन लेने पड़ोसी के घर जाते थे। आज हम अपने से इतने तक फोन रखने को रेडी नहीं है। तो फिर हम पता है किसके गुलाम बन गए? गुलामी की तो लिस्ट निकालनी पड़ेगी आज। किसके गुलाम बन गए? देखो अपने फोन को और बोलो मैं तुम्हारा गुलाम। फोन बना था, मुझे फोन को यूज करना चाहिए था। आज फोन मुझे कंट्रोल करता है। एक मिनट नेटवर्क ना चल रहा, मेरा फोन नहीं चल रहा, मेरा फोन नहीं चल रहा, मेरा फोन नहीं चल रहा। किसी का फोन मिल ना रहा हो तो उतना परेशान होते हैं जैसे बच्चा घूम गया हो। मेरा फोन कहां चला गया, मेरा फोन कहां चला गया? इट्स जस्ट अ फोन, इट्स जस्ट अ फोन। चीजों को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना है। फिर तो आउटर वर्ल्ड पूरी तरह से मुझे कंट्रोल कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा कारण बनी कि हमने इसको ठीक तरह से यूज नहीं किया तो आउटर वर्ल्ड स्टार्टेड कंट्रोलिंग में। फोन को फोन की तरह यूज करें, बहुत यूजफुल चीज है, बहुत यूजफुल है अगर उसको राजा बनकर यूज करेंगे तो। सबसे पहली चीज, फोन के नोटिफिकेशंस हमेशा ऑफ होने चाहिए। सारे नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ईमेल्स, सारे नोटिफिकेशंस, ये जो बार बार टिक 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 ये जो बजता है ना, जब नहीं बज रहा होगा तब भी सुनाई देगा। यस, आपको लगेगा कुछ आया पर कुछ आया नहीं होता है। आपको पता है अगर कुछ अर्जेंट होगा तो कोई फोन कर देगा, कोई मैसेज नहीं भेजता है। अगर किसी ने कोई मैसेज भेजा है मतलब वो अर्जेंट नहीं है। तो हम उसको ऐसे टिक टिक करके हर चीज को अर्जेंट क्यों बनाया हुआ है? वी आर लूजिंग पावर ओवर आर सेल्फ। वो टिक टिक करता जाता है, हम हर थोड़ी देर बाद उसकी तरफ खींचते जाते हैं। फिर इतना संस्कार बन जाता है कि वो नहीं भी बज रहा तो भी हम खींचते जा रहे हैं उसकी तरफ। क्यों? एक टाइम फिक्स करिए कि मैं हर आधे घंटे बाद या हर एक घंटे बाद, जो भी आपका जैसा रोल है, उतनी देर के बाद मैं अपने मैसेजेस चेक कर लूंगा कि क्या क्या आया इस एक घंटे के अंदर। आप ही की तरह घर में रहते हैं लोग, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, परिवार संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए रोज 7 से 8 हम सेंटर पे जाते हैं सुबह। रोज 365 डेज हम जाते हैं, जिनको रोज हेल्दी रहने का शौक होता है, जिनको उसका बेनिफिट दिखाई देता है। कोई रोज नहीं जा सकता तो वो वीकेंड पे जाता है अगर उनकी जॉब है। कोई वीकेंड पे नहीं जा सकता, संडे संडे जाते हैं, लेकिन जाते जरूर हैं। और सुबह सुबह 7 से 8 दिन की शुरुआत परमात्म ज्ञान, हाईएस्ट वाइब्रेशनल खुराक से शुरू करते हैं। सिर्फ उतना सा चेंज लाया, सोच बदल गई, बुद्धि की परख शक्ति बदल गई और संस्कार जो ओरिजिनल थे वो कर्म में आने लग गए। सिर्फ इतना सा करने से कि रोज सुबह 7 से 8 दिन की शुरुआत
ईश्वरीय महावाक्य से दिन शुरू होता है। आप रेडी हैं एक घंटा निकालने के लिए? स्टार्टिंग में ही पूछा था, राजा बनने के लिए रेडी हैं? अब अगर वो नहीं निकालेंगे, सुबह सुबह उठेंगे तो सबसे पहली चीज क्या देखते हैं? एक नियम, सुबह उठते ही इस खिलौने को नहीं देखना। अभी अभी आप गहरी नींद से उठे हैं, ये जो मन है एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है उस टाइम, एकदम क्लीन। सुबह सुबह उठते ही जो आप चीज भर लेंगे वो एकदम डीप चला जाएगा सबकॉन्शियस के अंदर। कम से कम एक घंटा इसको नहीं देखना चाहिए। याद रखिएगा, कुछ अर्जेंट होगा तो फोन आ जाएगा, फोन आ जाएगा, लेकिन सुबह उठ के मैसेजेस भी देख लिए, ईमेल भी देख ली, सोशल मीडिया भी देख लिया, न्यूज भी देख लिया, तो आपने आउटर वर्ल्ड को क्या कर दिया? आउटर वर्ल्ड की एनर्जी को अपने इनर वर्ल्ड में डाल दिया और इनर वर्ल्ड को बिल्कुल वैसा ही बना दिया जो आउटर वर्ल्ड है। ये एक जीवन जीने का तरीका है। दूसरा जीवन जीने का तरीका है, सवेरे सवेरे हम सेंटर जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होकर परमात्मा की शक्तियों को इनर वर्ल्ड पे डालते हैं। फर्स्ट, सेकंड, ज्ञान की मुरली सुनते हैं, परमात्मा के महावाक्यों को इनर वर्ल्ड पे डालते हैं। तो चॉइस है कि आप इनर वर्ल्ड पे क्या डालना चाहते हैं, क्या डालना चाहते हैं, क्या डालना चाहते हैं। तो जब हम मेडिटेशन से भगवान की शक्तियों को, मुरली से परमात्मा के ज्ञान को इनर वर्ल्ड पे डालते हैं, तो इनर वर्ल्ड पे कौन से संस्कार इमर्ज हो जाएंगे? प्योरिटी, प्यार, शांति, शक्ति, खुशी, सुख। फिर क्या होगा? इनर वर्ल्ड में प्योरिटी, पीस, लव एंड पावर जब आ जाएगी, तो सारा दिन में वो इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, बिकॉज संस्कार से संसार बनता है। अगर ये नहीं किया और सुबह सुबह आउटर वर्ल्ड को इनर वर्ल्ड पे डाल दिया, तो सारा दिन इनर वर्ल्ड भी कैसे चलेगा? टेंशन, चिंता, दर्द, डर, निंदा, गुस्सा, क्योंकि सुबह सुबह आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड पे वो डाल दिया। ये सुबह का एक कर्म हमारे इनर वर्ल्ड को भी डिसाइड करता है और ये सुबह का एक कर्म हमारे आउटर वर्ल्ड को भी डिसाइड करता है। ये एक घंटा निकालने के लिए कौन रेडी है? अच्छा, पहले वो हाथ उठाएं जो रोज ये एक घंटा निकाल के सेंटर ऑलरेडी जाते हैं मुरली सुनने। और किस किस को लगता है कि ये एक घंटा निकालने से हमारा भाग्य, हमारा जीवन, हमारे संस्कार बदले? बस ट्राइड एंड टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। 100, 10,000 नहीं, लाखों 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 भाई बहने ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो हमें करना चाहिए, करना चाहिए। बस इतना सा चेंज लाना है, पहली चीज अपने अंदर, कि सुबह एक घंटा फोन नहीं देखना, अखबार नहीं पढ़ना, टीवी नहीं ऑन करना। सुबह सुबह दिन की शुरुआत ज्ञान और मेडिटेशन से होनी चाहिए। एक चेंज, सारा दिन में ध्यान रखेंगे कि फोन और टीवी से क्या ले रहे हैं। इसके बाद जब भी फोन उठाएंगे और कुछ सुनेंगे, पढ़ेंगे, इमिजिएटली बोल देना ये मैं बन रहा हूं। झगड़ा किसी और का चल रहा होगा, चाहे दो देशों का, चाहे दो लोगों का, वो उसमें क्या चल रहा है वो अपने अंदर ना भरें, परमात्मा को याद करके उनको सकाश और शक्ति भेजें, दुआएं भेजें, प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें। व्हाट डू वी वांट टू डू? फिल द आउटर वर्ल्ड इनटू द इनर वर्ल्ड, और फिल द आउटर वर्ल्ड विद गॉड्स पावर फ्रॉम द इनर वर्ल्ड। क्या करना है? दो तरह से जीवन जी सकते हैं, या तो दुनिया की बातों को मन में भर लें, या भगवान की बातों को मन में भर के मन से वो बातों को दुनिया में भेज दें। चॉइस हमारी है, चॉइस हमारी है, राजा बनना है या गुलाम। तो सुबह का एक घंटा, सेम चीज रात को सोने से पहले एक घंटा फोन और टीवी देखना बंद कर दीजिए, अगर गहरी नींद सोना है तो। अगर गहरी नींद सोना है तो, और गहरी नींद में सिर्फ मन शक्तिशाली नहीं बनता, शरीर का स्वास्थ्य भी गहरी नींद से ही ठीक होता है। हम सोते हैं हीलिंग के लिए,
एनर्जाइजिंग के लिए, लेकिन सोने से पहले अगर इधर उधर का बहुत कुछ भर लिया, आपको याद है बचपन में मम्मी पापा कहते थे अगर झगड़ा हुआ है तो सोने से पहले सुलझा लो, सोने से पहले सुलझा लो, झगड़ा मन पर लेके नहीं जाना सोने से पहले। आजकल हम अपना झगड़ा नहीं औरों का झगड़ा मन पर लेके जाते सोने से पहले। वी कैन नेवर हैव डीप स्लीप विद दैट। सिंपल चेकिंग कर लो, सुबह नींद अपने आप खुलती है, खुलते ही चेहरा कितना डिवाइन लगता है। सुबह सुबह उठते ही पहला अपना चेहरा अगर देख लेंगे आपको पता चल जाएगा आपकी रात की नींद कैसी थी। और अगर आपको और अच्छी चेकिंग करनी है किसी और को बोल दो आप जब सोए हुए हैं तो आपकी फोटो खींच के आपको सुबह दिखा दे कि मन कितना शांत था नींद के अंदर, क्योंकि सारा दिन की उथल पुथल और रात को सोने से पहले का जो कंटेंट डला वो सारी उथल पुथल रात को इधर प्रोसेसिंग चलती है सिस्टम के अंदर और वही चेहरे पे आपको दिखाई देगा। तो रात को सोने से एक घंटा पहले नो फोन नो टीवी, मतलब नो नेगेटिव कंटेंट। नेगेटिव मतलब आजकल का नॉर्मल कंटेंट, नेगेटिव मतलब किसी में भी कोई भी बात जिसके अंदर कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसा वाइब्रेशन है जो आत्मिक स्थिति को कहां लेके जाता है, नीचे। मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। तो रात को सोने से पहले डिस्कनेक्ट करें और रात को सोने से पहले का 15-20 मिनट का टाइम अपने लिए रखना है कि सोने से पहले 15-20 मिनट फिर से ज्ञान की बातें अंदर भर के फिर सोना है। अगर 15 मिनट सोने से पहले परमात्मा की ज्ञान की मुरली अंदर भरी तो रात को वो मुरली के शब्द प्रोसेस हो जाएंगे। आप एक महीने के बाद फिर से उनको कहना कि वो आपको रात को सोते हुए चेहरे का फोटो खींच के दे दे। इट इज सिंपल, वेरी साइंटिफिक, ये दिखाई देगा सारा कुछ। आपके चेहरे पे एक स्थिरता होगी, आपके चेहरे पे एक सुकून होगा, आपके चेहरे पे वो गहरी नींद के चिन्ह दिखाई देंगे। ऐसे नहीं स्वप्न आ रहे हैं जो डर जाए हम स्वप्नों से ही। डर वाले स्वप्न, चिंता वाले स्वप्न, दुख वाले स्वप्न क्यों आते हैं? क्योंकि सारा दिन वो कंटेंट भरा हुआ है अंदर। कर सकते हैं सोने से पहले 15 मिनट, इजी, वेरी इजी, कि ज्ञान से मेडिटेशन से दिन का अंत और ज्ञान और मेडिटेशन से दिन की शुरुआत। क्योंकि ये वो दोनों समय हैं जब ब्लॉटिंग पेपर अब्सॉर्प्शन हाईएस्ट, सबकॉन्शियस माइंड खुलने वाला है। और ये दो चीजें करने से हम अपने आंतरिक जगत के मालिक बनना शुरू हो जाएंगे, हम मालिक बनना शुरू हो जाएंगे। सोच स्थिर, कम सोचेंगे, सही सोचेंगे, बुद्धि परखेगी सही, निर्णय एक्यूरेट लेगी, संस्कार वो सात जो मूल संस्कार हैं वो ही एक्टिव ज्यादा होते जाएंगे। दूसरा वाला कभी कभी आएगा, आते ही खत्म भी हो जाएगा, आएगा खत्म हो जाएगा, लेकिन वो सेवन संस्कार आपकी प्लेलिस्ट में ऊपर आ जाएंगे, ज्यादा यूज होंगे। और जब अपने ऊपर राजा बनेंगे तो शरीर का स्वास्थ्य, रिश्ते रिश्ते और अपना कार्य व्यवहार वो तो अपने आप संयम और नियम से चलना शुरू हो जाएगा। तो कौन कौन है जो अभी तक सेंटर कभी गए नहीं है, क्या आपके नजदीक जो सेंटर है वहां आप कभी नहीं गए अभी तक? आप जाएंगे जाने के बाद, जाएंगे जाने के बाद। और जो जा रहे हैं वो ये पक्का कर लेंगे कि हम रोज जाएंगे, रोज जाएंगे, ये पक्का करना है कि हम रोज जाएंगे। क्योंकि लो वाइब्रेशन की दुनिया में जी रहे हैं, अपने को हाई वाइब्रेशन पर लेकर जाना है तो हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में रोज जाना होगा और परमात्मा के महावाक्य घर बैठ के नहीं सुनने हैं, फोन और टीवी और यूट्यूब पे नहीं सुनने हैं। क्योंकि वो सिर्फ सुनने नहीं है, उस वाइब्रेशन उस एनर्जी में जाकर बैठना है ताकि हमारी एनर्जी भी क्या हो जाए, सेंटर भी सुनकर भी सारा दिन में याद नहीं रहता तो घर पे तो सुन के कितना को तो याद रहता होगा। इसीलिए घर पे बैठकर नहीं कि चलते फिरते सुन लिया,
सेंटर पर विधि पूर्वक जाकर मेडिटेशन करके अपनी स्थिति को स्टेबल बनाकर फिर जब महावाक्य उस पर आते हैं तो वो बिल्कुल अब्सॉर्ब हो जाता है सब ब्लॉटिंग पेपर के अंदर। फिर मन बुद्धि संस्कार के हम मालिक। रेडी?